नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज लाल संत कबीर विद्यापीठ के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी समस्त छात्र एवं छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए हम लोग डेली करंट न्यूज के संदर्भ में प्रमुख रूप से बात करते हैं, जो कि आज हम लोग एक ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जो हमारे आदरणीय विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर जी, जो कि एक पूर्व भारतीय सिविल सेवा के लोक सेवक थे, भारतीय विदेश सेवा के लोक सेवक थे। इसके बाद इन्होंने अपने प्रयत्न और कार्यों के माध्यम से आगे बढ़ने का कार्य किया। तो इस प्रकार आज हम लोग देखेंगे इनके बारे में, इनका एजुकेशन क्या रहा है, इनकी कार्यशैली क्या रहा है। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक पे चर्चा करने का प्रयास करते हैं। जैसा आपको हमने बताया कि आदरणीय विदेश मंत्री एस जयशंकर जी वाकई में आज भारत की एक विश्व पटल पे जो एक वर्चस्व है, चाहे वो विकसित देश अमेरिका के संदर्भ में हो, चाहे अभी एससीओ समिट में पाकिस्तान को करारा जवाब देना हो, चाहे चीन के संदर्भ में भारत की विदेश नीति हो, ठीक है, यानी विश्व पटल पर आज भारत का जो एक मजबूत साख है और उस मजबूत साख में आदरणीय एस जयशंकर जी, आदरणीय विदेश मंत्री, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण ठोस कदम रखा है। देखिए, अगर बात किया जाए तो एक बहुत ही चर्चित विषय है कि ऐसे ही कोई एस जयशंकर नहीं बन जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन्होंने एयरफोर्स स्कूल से पढ़ाई करने के बाद फिर जेएनयू से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध संदर्भ में शिक्षा ली। उसके बाद इन्होंने जो है फिर आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज परीक्षा पास किए। ठीक है, चूंकि आप जानते हैं कि एस जयशंकर जी को सिर्फ देश में ही नहीं पूरी दुनिया में जाना माना जाता है। ठीक, विश्व में जैसा आपको मैंने बताया कि भारत की उभरती छवि के पीछे डॉक्टर एस जयशंकर जी मुखर आवाज की एक बड़ी भूमिका है। ठीक है, आपका पूरा नाम जो है सुब्रमण्यम जयशंकर है, तो इस प्रकार आपने, ठीक है, चूंकि आप विदेश मंत्री बनने से पहले लंबे समय तक विदेश सचिव और राजदूत के रूप में काम कर चुके हैं, और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय प्रधानमंत्री ने आपके यानी डॉक्टर एस जयशंकर जी के कौशल और प्रतिभा को देखते हुए भारत के विदेश मंत्री का पद संभालने का प्रस्ताव किया। हालांकि शुरुआत में आप इस बात से थोड़ा चंभित हुए हैं, है ना, तो इस प्रकार आपकी यह इंपॉर्टेंट कार्यप्रणाली आप देख रहे हैं। हालांकि आदरणीय एस जयशंकर जी आदरणीय पीएम मोदी जी के इस निर्णय से कुछ हैरान हुए और उनके आग्रह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, और आज पूरी दुनिया में भारत की विदेश नीति का डंका बजाने में भूमिका निभा रहे हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज है, कितनी गर्व होती है। यह कहानी उन भारतीय सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहद जरूरी है, उन्हें एक बहुत ही सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास करेगा। ऐसा इसलिए
चूंकि देखिए आदरणीय डॉक्टर जयशंकर जी, एक सिविल सर्वेंट होने के बाद आपने कार्यशैली प्रतिभा को आज विदेश मंत्री के रूप में इस पूरे विश्व को एक नई राह दिखाने का प्रयास किए हैं। इस प्रकार अभी हाल ही में आपने देखा, हमने एससीओ समिट में से संबंधित क्लास लिया था और उस एससीओ समिट में भी पाकिस्तान दौरे को लेकर सुर्खियों में रहे आप आदरणीय डॉक्टर जयशंकर जी। तो थोड़ा सा आपके शिक्षा के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं कि क्या शिक्षा है, कहां से शिक्षा है। अगर मैं बात करूं तो आपका जो जन्म है आदरणीय डॉक्टर एस जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री, वो दिल्ली में हुआ था। आपके माता पिता जो है, पिताजी कृष्ण स्वामी सुब्रमण्यम, एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रणनीतिक मामलों के विशेष विश्लेषक, पत्रकार, और आप भी पूर्व भारतीय सिविल सेवक थे। ठीक है, अगर शिक्षा पे फोकस किया जाए तो आप डॉक्टर जयशंकर जी विदेश मंत्री, आपने स्कूली शिक्षा दिल्ली के एयरफोर्स स्कूल और बंगलौर के मिलिट्री स्कूल से की है। बाद में आपने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से रसायन विज्ञान में स्नातक की भी उपाधि आपने लिया है। फिर आपने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU से राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस में MA मास्टर ऑफ आर्ट्स एंड अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जो इंटरनेशनल रिलेशन है, जो आपकी एक बहुत बड़ी कार्यशैली है। आपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में MPhil और PhD की उपाधि प्राप्त की है। ये आपकी विशेषज्ञता है। आप आदरणीय डॉक्टर जयशंकर जी, हमारे विदेश मंत्री, आप 1997 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए और सोवियत संघ में भारतीय मिशन के तीसरे सचिव के रूप में, दूसरे सचिव के रूप में कार्य किया। आपने सिंगापुर, चेक गणराज्य, चीन और अमेरिका में भी राजदूत के रूप में कार्य किया। और इसी कार्य के संदर्भ में आगे बढ़ते हुए 29 जनवरी 2015 को आपने भारत का विदेश सचिव नियुक्त किए गए थे। इसके बाद यदि बात किया जाए तो बेहद इम्पॉर्टेंट बात कि 30 मई 2019 को आदरणीय डॉक्टर जयशंकर जी ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और उन्होंने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला। आज आपके सामने भारत की एक डंका। इस प्रकार 2019 में ही आपको भारत सरकार की ओर से पद्म श्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया, जो कि चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है हमारे भारत देश का। ये आपकी एक इमेज, जो पिक आप एससीओ समिट में आपने भाग लिया। तो इस मेरे बताने का तात्पर्य यहां पे ये है कि देखिए, प्रतिभा तो प्रतिभा होता ही है, लगन लगन होता ही है, कार्यशैली कार्यशैली होता ही है, गुणवत्ता गुणवत्ता ही कहा जाता है। तो इस मिसाल को पेश करने वाले आदरणीय डॉक्टर जयशंकर जी विदेश मंत्री, जो कि वर्तमान समय में आपने एससीओ समिट में भाग लेकर
पाकिस्तान को भी दो टूक जवाब देने का कार्य किया। जय हिंद साथियों।